नमस्कार दोस्तों, सोने किचन में आपका स्वागत है। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं उपमा की रेसिपी। तो आप देख सकते हो मैंने 150 ग्राम मोटा वाला रवा लिया है। यहाँ मैंने दो बड़े टमाटर बारीक करके ले लिया है, एक बड़ा प्याज, चार पांच हरी मिर्च और हरा धनिया। तो चलिए सबसे पहले मैं रवा को भून के सभी मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो हम इसमें अभी पानी डाल लेते हैं। मैंने 150 ग्राम रवा लिया था, तो मैंने आधा लीटर पानी लिया है। पानी कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर कम पड़ जाए तो उसको गर्म करके डालिएगा। गैस को फुल फ्लेम कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मूँगफली फ्राई करके निकाल लिया था, वो डाल लेती हूँ। देखो मैं हरा धनिया डाल लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अभी हमारा पानी उबल गया है, चलिए हमारे पानी उबल गया है तो हम इसमें रवा डाल लेते हैं भुना हुआ। तो गैस को आप देख सकते हो रवा डाल के इसको हिलाना चालू कर दिया है। पानी अगर कम गर्म करके डाल दीजिएगा, बराबर मात्रा में पानी डालना है। तो यहाँ जो सूजी रवा है ना, तो पानी ज़्यादा लगता है इसको, तो जितना मात्रा में बना सकते हो उसके हिसाब से आप डालिए ज़रूर। तो इसे हम
2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे। तो इसको ढक के पकाने के बाद अच्छी तरह से पक जाएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना और रेसिपी बनाकर ट्राई करके कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।